बच्चों आज हम क्या करेंगे, चैप्टर 6 हॉट डिजर्ट्स, इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो सब लोग ध्यान से देखो, ओके। तो देखो बच्चों, ये नंबर का क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके। कुछ ऑप्शन है, उनमें से जो आंसर सही होगा वो लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डेक्स इज एन एरिया दैट रिसीव एक्सट्रीमली लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ए डेक्स इज एन एरिया दैट रिसीव्स एक्सट्रीमली लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। बच्चों इनमें से कौन सा एक एरिया है जो कम अमाउंट ऑफ रेनफॉल को रिसीव करता है, जैसे डिजर्ट होगा या फॉरेस्ट या प्लेन। तो आंसर होगा बच्चों ए डिजर्ट। ए डिजर्ट इज एन एरिया दैट रिसीव एक्सट्रीमली लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द प्लांट्स फाउंड इन द डिजर्ट आर नोन एज। जो बच्चों जो प्लांट को डिजर्ट में फाउंड करते हैं उसको क्या कहते हैं, नॉक्टर्नल या प्लांटेशन क्रॉप या जेरोफाइट। बच्चों आंसर होगा प्लांटेशन क्रॉप, ओके। द प्लांट्स फाउंड इन द डिजर्ट आर नोन एज प्लांटेशन क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डेक्स इज ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ द डिजर्ट। बच्चों इनमें से किसको शिप ऑफ द डिजर्ट कहते हैं, शिप को कहते हैं या गोट को कहते हैं या कैमल को कहते हैं। बच्चों इन तीनों में से किसको शिप ऑफ द डिजर्ट कहते हैं, बच्चों आंसर होगा कैमल। कैमल इज ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ द डिजर्ट, कैमल को शिप ऑफ द डिजर्ट कहते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनहिबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीकन एंड आरबिया आर, द इनहिबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड आरबिया आर बंटस, बी बेडोइंस या ट्यूरेक्स। बच्चों आंसर होगा बेडोइंस। द इनहिबिटेंट्स ऑफ नॉर्थ अफ्रीका एंड आरबिया आर बेडोइंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजर्ट फार्मिंग इज प्रैक्टिस नियर ओशंस या माउंटेंस या ओसेस। बच्चों जो डिजर्ट फार्मिंग है वो किसके पास फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, ओशंस या माउंटेंस या ओसेस। बच्चों आंसर होगा ओसेस, ओके। डिजर्ट फार्मिंग इज प्रैक्टिस नियर द ओसेस, ये याद रखना। बच्चों अभी हम क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ये डिस्कशन करेंगे। बी फर्स्ट क्वेश्चन है, इन डिजर्ट्स डे आर एक्सट्रीमली डेक्स एंड नाइट्स एक्सट्रीमली डेक्स। बच्चों डिजर्ट में डे क्या होता है और नाइट क्या होता है। बच्चों डिजर्ट में डे होता है वेरी हॉट एंड नाइट वेरी ठंडा रहता है, कोल्ड, ओके। इन डिजर्ट डेज आर एक्सट्रीमली हॉट एंड नाइट्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड। तो बच्चों इधर होगा हॉट, इधर होगा कोल्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलाइन वाटर प्रोसीड इनटू पोर्टेबल वाटर पार्टिकुलरली इन डेक्स। सेलाइन वाटर इज प्रोसीड इनटू पोर्टेबल वाटर पार्टिकुलरली इन हॉट डिजर्ट, ओके। ड्यूरिंग डे द टेम्परेचर इन हॉट डिजर्ट मे रीच अप टू डेक्स डिग्री सेल्सियस। बच्चों डे के टाइम जो हॉट डिजर्ट का टेम्परेचर है वो कितना सेल्सियस तक होता है, ओके, कितना डिग्री सेल्सियस तक होता है। देखो, ड्यूरिंग डे द टेम्परेचर इन हॉट डिजर्ट्स मे रीच अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ए डिजर्ट इज लेस देन 10 सेंटीमीटर। जो हॉट डिजर्ट का जो रेनफॉल है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ए डिजर्ट इज लेस देन 10 सेंटीमीटर। बच्चों होगा 25 सेंटीमीटर। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन ए डिजर्ट इज लेस देन 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्स फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द डिजर्ट रीजन। देख बच्चों जो हॉट डिजर्ट में है वो उधर कौन सा फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, ओके। बच्चों आंसर होगा ओसेस फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन द डिजर्ट रीजन, ओके। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सी नंबर, द डिजर्ट फॉर्म इन इंडिया एंड पाकिस्तान। बच्चों इसका क्या करना है, आंसर द फॉलोइंग वन वर्ड में आंसर लिखना है। द डिजर्ट फाउंड इन इंडिया एंड पाकिस्तान, कौन जो डिजर्ट इंडिया और पाकिस्तान में होता है उसको क्या कहते हैं। बच्चों आंसर होगा थार डिजर्ट, THAR थार डिजर्ट। द डिजर्ट फाउंड इन इंडिया एंड पाकिस्तान आर थार, THAR, ओके। ए डिजर्ट फाउंड इन नॉर्थ अफ्रीका,
ये क्या होगा बच्चों, ए डेजर्ट फाउंड इन नॉर्थ अफ्रीका। तो बच्चों इसका आंसर होगा बेडोइंस, BEDOUINS। ओके, ये डेजर्ट फाउंड इन नॉर्थ अफ्रीका आर बेडोइंस। नेक्स्ट, ए टाइपिकल ट्री इन कालाहारी डेजर्ट। बच्चों ये होगा, ये टाइपिकल ट्री इन कालाहारी डेजर्ट आर अफ्रीका। ओके, ए टाइपिकल ट्री इन कालाहारी डेजर्ट आर अफ्रीका। नेक्स्ट है, प्लांट्स दे स्टोर वाटर इन देयर बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड। बच्चों जो प्लांट जो होते हैं उनको बॉडी पार्ट में वाटर को स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं? बच्चों उसको कहते हैं बॉटल ट्री। प्लांट दे स्टोर वाटर इन देयर बॉडी पार्ट्स आर कॉल्ड बॉटल ट्री। ओके।